नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है जेमिनाई यानी मिथुन राशि की वीकली रीडिंग, यानी 22 में से 28 मई की रीडिंग। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है हर बात आपसे रेजोनेट ना करे, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड सन मून वीनस राइजिंग जैसे भी चाहें वैसे भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है इस वीक आपके लिए। All right, the fool reversed. Knight of Wands. Wow. Okay, so सबसे पहले तो मैं ये रीडिंग इस बात से शुरू करना चाहती हूँ, द फूल रिवर्स कार्ड आपके लिए आ चुका है। इसमें से एक आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना कार्ड आया है, एंड वो भी रिवर्स आया है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि रिवर्स कार्ड हमेशा गलत चीज़ बताते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी रीडिंग में ये पॉजिटिव साइन है कि जो आप अभी तक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे थे, जो आप अभी गोइंग विद द फ्लो वाले मोड में चल रहे थे, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, इट्स अ गुड एटीट्यूड नो डाउट। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ों का चार्ज लेना पड़ता है, एंड इस वीक यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है, भगवान आपको यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आपको चार्ज लेना पड़ेगा इस वीक, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि समवन is coming towards you with a good communication, मतलब वो आपसे आगे फ्यूचर पर्स्पेक्टिव से बातें करना चाहते हैं, वो आपसे रिलेशनशिप डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे थे, अगर आपने गिव अप मूड पे थे कि अरे ठीक है वट एवर हैपन्स ठीक है आई एम एक्सेप्टिंग द रियालिटी, तो आपको वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपका मूड, एंड आपको चीज़ों को कंसिडर करना शुरू करना पड़ेगा। जो कुछ भी हो रहा है वो बिना किसी पर्पस के नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। ये एक बहुत मेजर मैसेज मुझे, आई कैन हियर इट, कि हर चीज़ का एक पर्पस तो होता ही है, बट करेंटली जिस सिचुएशन में आप हैं उस चीज़ का भी एक हायर पर्पस है, एंड दिस वीक आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। तो या तो आपके पर्सन जो आपके माइंड में हैं, जो आपके क्रश हैं या रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप हुआ हुआ है, तो हो सकता है कि उनसे आपको कम्युनिकेशन मिले, या फिर अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ किसी आंसर का वेट कर रहे थे तो हो सकता है वो आंसर आपको किसी भी तरीके से मिले। तो सपोज अगर आप सोच रहे थे कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड इन माय लाइफ, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे तो आपको उस चीज़ की भी क्लैरिटी इस वीक मिलेगी। ऑल्सो फोर ऑफ वॉन्स के साथ बहुत ही क्लियर मैसेज ये भी आता है, एक तो दिस रियली लुक्स लाइक अ वेडिंग सेटअप, तो मुझे तो बिल्कुल इसको देख के एकदम शादी का मंडप ही याद आता है। एंड आई कैन हियर दिस ऑल्सो कि हो सकता है आपके अगर पर्सन आपसे पैचअप करें तो वो आपको कमिटमेंट देते हैं, या आपके पर्सन अगर बहुत टाइम से आपका रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हो सकता है वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर दें एंड आपकी शादी की बात चलने लगे। अगर आप अरेंज मैरिज से लड़के देख रहे हैं, रिश्ते देख रहे हैं, तो हो सकता है इस वीक किसी ऐसे बंदे से आपकी बात हो जिनसे पॉसिबली आपकी शादी होनी है फ्यूचर में। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू यू नो मैरिज ऑब्वियसली, लेकिन आपको थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाला मोड चेंज करना पड़ेगा, थोड़े से इनिशिएटिव्स आपको भी लेने पड़ेंगे। अगर सामने वाला एक कदम लेता है तो आप भी एक कदम आगे बढ़ाओ, ना कि आप वेट करो कि नहीं इसी को पूरा पूरा मेरी तरफ आना चाहिए। करियर की बात कर लेते हैं, तो फोर इज़ अ नंबर ऑफ बैलेंस, फोर इज़ अ नंबर ऑफ इक्वालिटी स्टेबिलिटी, क्योंकि ये इवन नंबर है, जितना इधर है उतना ही उधर है। एंड सो दिस वीक करियर वाइज भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका, मनी आपका ग्रो हो सकता है, कोई आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है अगर आप फ्रीलांसर हैं, कोई आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू योर ग्रोथ मिल सकती है, जैसे आपको पता चले कहीं से कि आपका प्रमोशन होने वाला है, या आपको प्रमोशन ही मिल जाए इस वीक, या कुछ बात ऐसी होने लगे, या आपको बढ़िया सा प्रोजेक्ट मिल जाए, या समथिंग लाइक दैट इज़ अबाउट टू हैपन। सो आपको एक्शन मोड में रहना पड़ेगा इस वीक, जो जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं आपको उसको लेट गो, नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको चीज़ों को आपको चीज़ों को कंसिडर करना है, आपको चीज़ों को कंसिडर करना है, आपको चीज़ों के लिए अच्छे से सोचना है, डिसाइड करना है, गेट इनटू दैट पावर मोड, एंड या दैट्स दैट। देखते हैं और आगे क्या आ रहा है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून द चैरियट, वाव।
दोनों ही मेजर अरकानास निकल कर आए हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रांग साइन है कि जो मैं अभी आपसे बोल रही थी कि आपकी यू नो आपको कोई बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको कोई बहुत ही यू नो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, जैसे कि आपके करियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या आपके पार्टनर आपसे कुछ बोल सकते हैं, तो वो बिल्कुल मतलब इट इज़ क्लियरली एविडेंट हियर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। मैं आपसे कह ही रही हूँ कि आपको चीज़ों का चार्ज देना पड़ेगा जो अभी इतने टाइम से आप सोच रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, चलो भगवान जैसा चाहे, यू नो एवरीथिंग हैज अ हायर पर्पज, और वो पर्पज आपको इस वीक दिखाई पड़ेगा। ये डिवाइन टाइमिंग्स हैं, ये चीज़ें मैनिफेस्ट करने का टाइम है, ये चीज़ों का चार्ज लेने का टाइम है, एंड आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। हो सकता है आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिले, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, आप आपके पार्टनर से मिलने जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है दैट समवन और समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो हो सकता है वर्क में आपको ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपके पार्टनर से मिलने के लिए आप जा सकते हो या वो आ सकते हैं, बट इस वीक ट्रैवल के भी अच्छे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपका कार्ड ऑफ फोकस क्या बोलता है इस वीक का। ऑल राइट, अनदर मेजर अरकाना, स्ट्रेंथ का कार्ड। क्लियरली आपके लिए ये बहुत मेजर एडवाइस आ रही है कि आपको चीजों को बहुत स्ट्रांगली हैंडल करना पड़ेगा। जो पुराना अभी रफ टाइम आपका चल रहा था, जो रफ पैच चल रहा था, स्पेशली मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाती हैं एंड उसको सेटल होते होते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो आपकी हिम्मत मत छोड़िए, आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग्स आर कमिंग। आपको बस थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपकी बना के रखनी है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कुछ भी अगर ज़रा सा भी नेगेटिव होता है तो उससे आप पूरे नेगेटिव मत हो जाओ, जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स कि हाँ जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है, एंड देन यू हैव टू हैंडल थिंग्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया है। आपको फोकस आपकी स्ट्रेंथ पे रखनी है, जैसा कि मैंने सबसे पहले द फूल रिवर्स के साथ भी आपको बोला कि आपको चार्ज देना पड़ेगा, आपको आपकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, बिकॉज यू हैव दैट पावर एंड यू हैव दैट स्ट्रेंथ। तो आपको चीज़ें अच्छे से हैंडल करो, आपको रिजल्ट ज़रूर से अच्छा मिलेगा, एंड कुछ तो गुड न्यूज़ भी आपको इस वीक मिलने वाली है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, आपके एक सपोर्ट से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज एन एनर्जी एक्सचेंज फॉर बोथ ऑफ अस। ओके, थैंक यू, टेक केयर।